दोस्तों, तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में 2011 रेगुलर का पार्टनरशिप रिक्वेशन का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन। इरम एंड कंपनी बैलेंस शीट ऑन सितंबर 30, 2010 वाज एज अंडर, ठीक है। तो इरम एंड कंपनी, इरम एंड कंपनी बेसिकली एक कॉरपोरेशन है जिसकी यहाँ पे हमें बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। तो उनके पास कैश है 50,000 और अदर एसेट है 4 लाख, ठीक है। इरम्स कैपिटल, इरम का कैपिटल है 3,50,000 और किरम्स का कैपिटल है 1 लाख, ठीक है। सो इरम्स एंड कंपनीज एक्चुअली नॉट अ कंपनी, इट्स अ पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो पार्टनर्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। एक अदर कंपनी होती तो हमारे पास स्टॉक कैपिटल यहाँ पे गिवन होता, ठीक है। सो किरम्स कैपिटल है हमारे पास 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास टोटल गिवन है और नीचे लिखा है कि इरम एंड किरण शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। यानी कि जो इरम है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, पूरे 5 हिस्सों में से 3 हिस्से, ठीक है। क्योंकि अगर 3 को प्लस करेंगे 2 से तो ये 5 बन जाएंगे, सम ऑफ इससे 5। यानी कि जब भी प्रॉफिट आता है इनके पास तो उस प्रॉफिट के 5 हिस्से किए जाते हैं और 5 में से 3 हिस्से जाते हैं इरम के पास, बाकी जो बच गए 2 हिस्से वो जाते हैं किरण के पास। और सिमिलरली जब लॉस होता है तो 3 हिस्से इरम को कंट्रीब्यूशन करनी पड़ती है 300 की, यानी कि 300 की जो भरपाई है वो इरम करती है। आई थिंक ये दिस इज अ गर्ल बट आई डोंट नो, ठीक है। मैं जेंडर यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये इरम और किरण जो है वो मोस्टली लड़कियों के नाम होते हैं, ठीक है। सो अगर ये जेंडर बायस है या ये मेल है तो प्लीज डू नॉट माइंड, ठीक है। सो तो इरम जो है वो मतलब टोटल 5 हिस्से अगर लॉस हुआ तो लॉस के 5 हिस्से होंगे और 5 में से 3 हिस्से की भरपाई इरम करेगी और बाकी 2 हिस्सों की भरपाई किरण करेगी, ठीक है। सो तो शेयर रेशियो इस तरह काम करते हैं, ठीक है। सो ऑन सेप्टेम्बर 30, 2010 दे लिक्विडेट देयर पार्टनरशिप बिजनेस। सितंबर 30, 2010 को उन्होंने सोचा भैया लिक्विडेट कर देते हैं, बिजनेस खत्म कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, बिजनेस को। अदर एसेट वर सोल्ड फॉर ₹1,50,000 कैश, ठीक है। 1,50,000 का कैश जो है उन लोगों ने सोल्ड कर दिया, अपने अदर एसेट सोल्ड कर दिए कैश, 1,50,000 कैश में, ठीक है। अदर एसेट कितने कितने 4 लाख के, 4 लाख के एसेट्स उन लोगों ने 1,50,000 में सोल्ड किया, यानी कि उनको लॉस हुआ, ठीक है। एसेट की सोल्ड, जब एसेट को उन लोगों ने सेल किया तो, ठीक है, क्योंकि 4 लाख के एसेट थे और 1,50,000 में उन लोगों ने सोल्ड किया तो जाहिर सी बात है लॉस हुआ, ठीक है। और ये जितना भी लॉस होगा हम उसको क्या कंसिडर करेंगे, रियलाइजेशन। लॉस होने पर रियलाइजेशन कहाँ पे रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे, ठीक है। क्योंकि रियलाइजेशन एक रेवेन्यू अकाउंट है, यहाँ पे बेसिकली हम एक अकाउंट खोलते हैं जिसका हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसमें जितने भी प्रॉफिट और लॉस उसी अकाउंट में एडजस्ट होते हैं, ठीक है, बाइंग और सेलिंग और सेलिंग ऑफ अदर एसेट्स पे, ठीक है। सो होता ये है कि जब रियलाइजेशन हम अदर एसेट्स ज्यादा महंगे बेच देते हैं जो कि इनकी वैल्यू है, तो ये जो रियलाइजेशन पे गेन होता है, ठीक है, यानी कि हम रियलाइजेशन को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। रियलाइजेशन बिल्कुल एक रेवेन्यू अकाउंट की तरह होता है, जब भी वो भरता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं और जब भी वो घटता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। सो रियलाइजेशन इस सूरत में, यहाँ पर चूंकि लॉस है तो लॉस की सूरत में रियलाइजेशन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, यानी कि घटता है, ठीक है। तो अब लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। हमें जो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बनानी है लिक्विडेशन की ऑफ द पार्टनरशिप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जर्नल का पैटर्न बना लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब लिक्विडेशन करते हैं तो लिक्विडेशन करते वक्त जितने भी अदर एसेट्स होते हैं या कैश को छोड़ के, कैश को और कैश इक्विवेलेंट को छोड़ के जो भी अदर एसेट्स होते हैं उन तमाम एसेट को हम बेच देते हैं और बाकी जो कैश, बाकी जो अगर लायबिलिटी कोई होती है जैसे अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, ठीक है, कोई किसी को लोन दिया हो, मतलब किसी से लोन लिया हुआ है, तो उनकी सेटलमेंट भी हो जाती है, ठीक है, लिक्विडेशन के वक्त उनकी लोन की सेटलमेंट हो जाती है, अदर एसेट सोल्ड हो जाते हैं और फिर आखिर में जो पैसा बच जाता है वो पार्टनर के, पार्टनर को देकर उनको रवाना कर दिया जाता है, ठीक है। लिक्विडेशन का बेसिकली प्रोसेस इन शॉर्ट एंड सिंपल ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो अदर एसेट सोल्ड हुए हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे अदर एसेट को सोल्ड करेंगे और अदर एसेट आपको पता है कि 4 लाख के थे और लॉस और हमारे जो सोल्ड हुए वो 1,50,000 के हुए, ठीक है। तो जब हमें सेल किया तो हमारे पास कैश आया, ठीक है, कितने का, 1,50,000 का कैश आया, ठीक है।
और अदर एसेट थे कितने के थे जो हमारे यहाँ से गए, अदर एसेट जो कि एसेट्स हैं, और एसेट जब भी कम होते तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, ठीक है। और जो एसेट हमने सोल्ड किए वो थे, उनकी वैल्यू क्या थी, 4 लाख, ठीक है। तो यानी कि अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा लॉस है, ठीक है, रियलाइजेशन लॉस ऑन रियलाइजेशन, और इनका डिफरेंस है 2,50,000, ठीक है। सो 2,50,000 हमारे यहाँ पे रियलाइजेशन डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा, ठीक है। रियलाइजेशन क्या हम लिखेंगे, रियलाइजेशन, ठीक है, कितना 2,50,000, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लॉस हुआ रियलाइजेशन पे। फिर यहाँ पर कोई हमारे पास लाइबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब कि कोई लाइबिलिटी नहीं है तो उसकी सेटलमेंट भी जाहिर सी बातें नहीं होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि रियलाइजेशन पे जो लॉस हुआ है वो जाहिर सी बात है पार्टनर्स उस लॉस की भरपाई करेंगे, ठीक है, अपने अपने रेशियो के हिसाब से। तो उसके लिए वो लोग अपना अपना कैपिटल कम कर देंगे, ठीक है। तो हम दोनों पार्टनर्स का कैपिटल को डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्योंकि जब भी कैपिटल को कम करना होता है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं, ठीक है। और ख़त्म करना होता है तो जिस अमाउंट से वो क्रेडिट साइड पर खुला हुआ है उसी अमाउंट से पकड़ उसको डेबिट कर दो तो वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हो, अब हमारा दो पार्टनर्स कौन कौन है, हमारे दो पार्टनर्स हैं, एक तो है इरम, ठीक है, इरम है, तो इरम्स कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पर। सो आई एम वेरी सॉरी, मेरा कैमरा जो है वो गिर गया था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है इरम्स का कैपिटल और किरण का कैपिटल, उनके जो रियलाइजेशन पे लॉस हुआ है यानी कि जिस लॉस की उनको भरपाई करनी है वो 2,50,000 की करनी है, ठीक है। तो देखो ये 2,50,000 अगर इसकी जब भरपाई हो जाएगी तो ये यहाँ पे पॉजिटिव में आ जाएगा और ये यहाँ पे 2,50,000 नेगेटिव में, ठीक है। तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे तो कितना रियलाइजेशन बचेगा, जीरो, ठीक है। तो रियलाइजेशन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो हम ये कह रहे हैं कि रियलाइजेशन कि जो हम नेगेटिव में जो खुला हुआ था उसकी भरपाई हो गई और रियलाइजेशन खत्म हो गया, ठीक है। अब देखो अब ये जो लॉस हुआ वो किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमने जैसा कि जाना था कि उनके पास उनके जो रेस्पेक्टिव रेशियोज गिवन है तो उस रेशियोज के हिसाब से हमने उनको लॉस की जो है भरपाई उन लोगों ने की है, ठीक है, इरम और किरण ने, ठीक है। तो इरम के जो है वो इरम के जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो 3 है, ठीक है, 5 में से, यानी कि जो भी लॉस होगा या जो भी प्रॉफिट होगा उसके 5 हिस्से होंगे और 5 में से 3 हिस्से की भरपाई या 3 हिस्से उसको मिलेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ अ प्रॉफिट। तो अब यहाँ पे हम इसको बांट लेते हैं, ठीक है, 2,50,000 है टोटल लॉस, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 / 5 से। तो ये इक्वेशन क्या करेगी, ये इक्वेशन पहले 2,50,000 के 5 हिस्से कर देगी, फिर 5 हिस्सों में से 3 हिस्सों को मिला के हमें आंसर दे देगी, ठीक है। तो जब हम इक्वल टू दबाएंगे तो हमें पता चलेगा कि जो किरण को इरम को जो लॉस बढ़ना है वो पूरा 1,50,000 का है, ठीक है। तो 1,50,000 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जो कि लॉस किसको बढ़ना है, हमारा इरम को बढ़ना है, क्योंकि इरम का जो प्रॉफिट लॉस शेयर है वो ज्यादा है किरण के किरण से, ठीक है। किरण का कितना है, 3:5, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी 2:5, तो यहाँ पे 2 लिख लेते हैं, तो ये आ गया 1,00,000, यानी कि ये 1,00,000 रुपीज का लॉस की भरपाई करेगी, ठीक है। तो ये 150 + 1,00,000 2,50,000 हो गए। अब उनका जो बचा कुचा कैपिटल है वो हमको दे देंगे कैश की सूरत में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि उनका कैपिटल कितना कितना था, ठीक है, फिर उस ये जो जितना उनका कैपिटल क्रेडिट साइड पर खुला हुआ है और जो डेबिट साइड पे, तो वो उस डेबिट और क्रेडिट एडजस्ट होंगे, ठीक है। तो लेट मी जस्ट गेट माय फाइवर, ये आ गए फाइवर, ठीक है। तो उनका कैपिटल है, इरम का कैपिटल है 3,50,000 और किरण का कैपिटल है 1,00,000, ठीक है। ये जो कैपिटल है ये पॉजिटिव में है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव में। और यहाँ पर जो कैपिटल है, क्योंकि ये डेबिट साइड पे है तो इसका मतलब ये नेगेटिव में है, ठीक है, दोनों नेगेटिव में। अब ये 1,00,000 नेगेटिव में किसका, किरण का, और यहाँ पे 1,00,000 पॉजिटिव में, तो ये रहा 1,00,000 पॉजिटिव में, ठीक है। तो ये जब आपस में माइनस होंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो हम किरण की कैपिटल की एंट्री नहीं डालेंगे, ठीक है, उनको कैश को, क्योंकि उसका लॉस ही इतना हुआ कि वो उसके कैपिटल को पूरे कैपिटल को खा गया, ठीक है, किरण के पूरे कैपिटल को, जो कैपिटल यहाँ पे था पूरे कैपिटल को खा गया। तो किरण की हम यहाँ पे एंट्री नहीं बनाएंगे, अब सिर्फ इरम से रह गए, क्योंकि इरम का जो कैपिटल है वो 350 है और यहाँ पे लॉस इसको हुआ है 150, ठीक है। तो यानी कि जब हम 350 में से 150 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2,00,000, ठीक है। तो इरम को जो है 2,00,000 अभी भी कैश की सूरत में मिलेंगे, ठीक है, उसको बिजनेस से निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है इरम्स के कैपिटल को 2,00,000 से
डेबिट कर देंगे, जो कि हमें बताएगा कि इरम का कैपिटल अभी खत्म हो गया। ठीक है, इरम का कैपिटल खत्म हो गया और इरम को हमने 2 लाख रुपए दिए थे। ठीक है, 2 लाख यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिए। और कैश जो कि एसेट होता है, एसेट को जब भी क्रेडिट करते हैं तो वो कम होता है। ठीक है, यानी कि अगर कम होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो ये चीज ये शो कर रही है कि कैश हमने इरम को पे करके उसका कैपिटल खत्म कर दिया और उसको बिजनेस से गुड बाय कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह ये जो है पूरा लिक्विडेट हो गया। करीम का जो किरण है उसका भी कैपिटल पूरा खत्म हो गया। 1 लाख रुपए उसको लॉस हुए, 1 लाख का कैपिटल था, ये दोनों आपस में माइनस हुए, तो ये खत्म हो गया उनका उसका कैपिटल। ठीक है, और इरम का कैपिटल जो बचा कुचा 2 लाख का बच गया था लॉस के बाद, लॉस की भरपाई के बाद, तो वो भी हमने उसको कैश देके खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल खत्म हो गए, पूरे डेबिट आउट हो गए, तो इसका मतलब कि अब ये पार्टनरशिप भी खत्म हो गई, लिक्विडेट हो गई। ठीक है, तो इसी के साथ ही ये वीडियो खत्म होती है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे एंड अल्लाह हाफिज़।